नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मनस्तत्व शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा BSc तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम यूनिट के अंतर्गत तापमान कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान तापमान अर्थात तापक्रम को समस्त पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वस्तुतः वायुमंडलीय नमी एवं तापक्रम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तापक्रम अगर देखा जाए तो एक प्रकार की ऊष्मा होती है जो हमारे पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो रूप है ऊष्मा के, उसके अंतर्गत जो तापमान जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है इस पृथ्वी को, वह तापमान किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन विशेषतः वनस्पति को प्रभावित करता है। तो पारिस्थितिकी जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने तापमान के आधार पर या तापक्रम के आधार पर समूचे विश्व की वनस्पति को कई श्रेणी में बांटा है। इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर उनका जो अध्ययन करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले एक नंबर पर उच्च तापी वनस्पति। ये जो क्षेत्र है उच्च तापी वनस्पति वाले, ये भूमध्य रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष भर उच्च तापक्रम रहता है और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होती रहती है और शुष्कता है जो बिल्कुल ही नहीं के बराबर या अति अल्प समय के लिए होती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में इस प्रकार वन रहते हैं और ये जो वनस्पति की श्रेणी है इसको हम बोलते हैं उच्च तापी वनस्पति श्रेणी। दूसरे नंबर पे आती है वनस्पति की श्रेणी है, वो है मध्यतापी। ये जो मध्यतापी वनस्पति की श्रेणी है, ये पौधे है जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तापक्रम की हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है जबकि शरद ऋतु में तापक्रम न्यून होता है। और यहाँ की वनस्पति की हम बात करें तो ये वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होती है, यानी यहाँ पर कैसे होंगे जो जिस तरह से हम देखा उच्च तापी वनस्पति जो सदाहरित थी, ये है जो पतझड़ी वन होते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो है न्यून तापी वनस्पति। इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पर शीतकटिबंधीय एवं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। तापक्रम यहाँ पर न्यून तापक्रम होता है और जो वनस्पति होती है वह मिश्रित प्रकार की शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। चौथा है वो है अति न्यून तापी या एकिस्ट्रोथर्म्स। ये वनस्पति है जो उत्तर ध्रुवीय अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है जो 16,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर है जो होते हैं क्षेत्र। तापक्रम की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ही कम या माइनस के आसपास, और वनस्पति यहाँ पर है जो हमें अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये तापक्रम जो होता है इस तापक्रम का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम सक्रियता पर प्रभाव। पेड़ पौधों में होने वाली सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक उपापचयी क्रिया है जो एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है, और इसके साथ ही पौधों में होने वाली जो उपापचयी क्रियाओं पर तापक्रम का सीधा प्रभाव देखा गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो
तापक्रम के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात वो एक तापक्रम की निश्चित परास के अंतर्गत ही अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। एक सीमा से ऊपर और सीमा से नीचे की तरफ उनकी सक्रियता में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से तापक्रम तो परोक्ष रूप से उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर में परिवर्तन, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में तापक्रम में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन अर्थात पेड़ पौधों के वायवीय सतहों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है और इसका तापक्रम की वृद्धि के साथ में सीधा संबंध है। अर्थात जैसे जैसे तापक्रम में वृद्धि होगी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी। अत्यधिक तापक्रम पर वायुमंडलीय आर्द्रता में भी कमी होती है एवं निम्न तापक्रम पर आर्द्रता अधिक हो जाती है और ये वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा पौधों में होने वाली वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडलीय तापक्रम में बढ़ोतरी से सीधा वाष्पोत्सर्जन अकेला कारक प्रभावित नहीं होता है बल्कि इस कारण वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता भी प्रभावित होती है और आर्द्रता के प्रभावित होने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी प्रभावित होती है। प्रायः तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर भी बढ़ जाती है और तापमान अगर गिर जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी गिर जाती है। इसी क्रम में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में रसारोहण को भी प्रभावित करती है, अर्थात जमीन से जल के अवशोषण की क्रिया भी इससे प्रभावित होती है। अवशोषण क्षमता पर प्रभाव, यद्यपि विभिन्न पादप प्रजातियों में हम देखते हैं कि तापमान को सहन करने की अलग अलग सीमा होती है, फिर भी सामान्यतः स्थलीय पौधों में जड़ों के द्वारा जल का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अतः तापमान की इस परिसीमा से अधिक होने पर अवशोषण की दर में कमी देखने को मिलती है। यदि तापक्रम बहुत ही अधिक कम हो जावे अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जावे तो सामान्यतः देखा गया कई पौधों में अवशोषण की दर है जो या अवशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है। जमाव बिंदु पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृदा में उपलब्ध जल बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो कि पौधों के अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है और ऐसा हमें बर्फीले स्थानों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जब मृदा में जल उपलब्ध है लेकिन पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश वो अन्य रूप में परिवर्तित है या कोई रासायनिक रूप में परिवर्तित हो चुका है तो इस प्रकार की जो अनुपलब्धता होती है वाटर की उसको हम बोलते हैं कार्यकीय शुष्कता, यानी उपलब्ध होते हुए भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव, सामान्यतः 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उचित रहता है। इससे ऊपर के और नीचे के तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर में हमें गिरावट देखने को मिलती है। सामान्यतः देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही प्रारंभ हो जाती है। जो तापमान पर बढ़ता है अर्थात प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि के साथ इसकी वृद्धि अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर 2 गुना हो जाती है, जिसे हम Q10=2 के रूप में इंगित करते हैं। लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरह तापमान में बढ़ोतरी होने से प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। ऐसा इसलिए होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि तापमान में बढ़ोतरी से एंजाइम की सक्रियता प्रभावित होती है क्योंकि एंजाइम में जो
प्रोटीन की बनते हैं, और अधिक तापमान पर प्रोटीन विकृत होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जितनी भी अभिक्रियाएं जो कि एंजाइम संबंधित या एंजाइम सक्रियता पर निर्भर करती है की दर है जो घट जाती है। श्वसन दर पर प्रभाव, श्वसन क्रिया पर तापक्रम का प्रभाव सीधा होता है। सामान्यतः 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में है जो तापक्रम का प्रभाव देखा गया श्वसन पर। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पर श्वसन में काम आने वाले एंजाइम है जो विकृत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेड़ पौधों की श्वसन की क्रिया में उल्लेखनीय हमें ह्रास देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अति निम्न तापक्रम अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम तापक्रम है माइनस में होने पर श्वसन की दर भी अत्यधिक कम हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में तापक्रम उच्च होने पर और तापक्रम न्यून होने पर एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं वो प्रोटीन विकृत होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप श्वसन क्रिया की दर में है जो कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वसंतीकरण। वसंतीकरण से हमारा तात्पर्य है कि कई प्रकार के बीज ऐसे होते हैं जो प्रकृति में सामान्य स्थितियों में अंकुरित नहीं होते हैं, लेकिन उनको शीत उपचारित करने पर उनमें अंकुर हो जाता है। इसी प्रकार से कई पौधे होते हैं जिनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि उनको अगर शीत उपचारित किया जाता है तो उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वसंतीकरण जो ये है ये रूसी वैज्ञानिक थे लाइसेंको ने सर्वप्रथम इस प्रभाव की व्याख्या की थी। उन्होंने ये बताया कि शीत उपचार के द्वारा पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की घटना को वसंतीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो न्यून तापमान होता है ना वह पौधों में पुष्प निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उद्दीपन का कार्य करता है। तो वसंतीकरण से हमारा तात्पर्य यही है कि शीत उपचार के द्वारा पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को आरंभ करना। गति, कई प्रकार के जो सूक्ष्म पौधे हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है के अंतर्गत तापमान के प्रभाव से उसकी जो कशापिकाएं होती है उनकी गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनके अंतर्गत उनके दलपत्रों का खुलना और बंद होना भी तापक्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तापक्रम पौधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो उनकी संरचनाएं हैं उनके मूवमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खनिज अवशोषण, सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत पौधों में तापक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पौधों के अंतर्गत अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है उसी के साथ साथ जब पौधे जब जल का अवशोषण करते हैं तो उसके साथ साथ उनका विलयन के रूप में खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत फर्क इतना ही है कि जब खनिजों का अवशोषण होता है तो सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत होता है। सक्रिय अवशोषण के नाम से पता पड़ जाता है इसमें जो ऊर्जा का यूज होता है। जल अवशोषण होता है उसमें वो तो निष्क्रिय अवशोषण, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन खनिजों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में होता है, इसमें हमें ऊर्जा अर्थात एटीपी की जरूरत पड़ती है और इस प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा तापक्रम पर निर्भर करती है। यदि पौधे को लंबे समय तक कम तापक्रम पर रखा जाए तो कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है तथा सक्रिय अवशोषण नहीं हो सकने के कारण इनमें पोषक खनिज तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है।
नेक्स्ट है कि वनस्पति के वितरण पर प्रभाव अथवा तापमान किस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री से हम ध्रुवों की ओर एवं इसी तरह से पर्वतों के अंतर्गत पर्वतों की विभिन्न ऊंचाइयों पर है ना, यानी पर्वत के तलहटी से लेकर के ठेठ उसकी ऊंचाई तक, ये जो दोनों स्वरूप हैं इस प्रकार के स्वरूप बिल्कुल समानता दर्शाते हैं वनस्पति के वितरण पर। तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देखिए, इसके अंतर्गत आप देख रहे हो एक आपको है जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत आप देख रहे हो इस तरफ आपका है जो लेटिट्यूड है और इस तरफ आपका है जो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड से मतलब है ऊंचाई और लेटिट्यूड से मतलब है अक्षांश। यहाँ पर आप देख रहे हो इसको पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको सबसे नीचे की तरफ तलहटी में आपको यहाँ जो देख रहे हो यहाँ पर आपको बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बारिश होती है उसका पानी है जो पर्वत श्रेणियों से होता हुआ मैदान तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे ट्रॉपिकल रेन की फॉरेस्ट के ऊपर की तरफ तो यहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलता है और डेजर्ट से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको डेसिड्यूस फॉरेस्ट यानी पतझड़ी वन, और पतझड़ी वनों के ऊपर देखोगे तो आपको कॉनिफर फॉरेस्ट दिखाई दे, शंकुधारी वनों वाले सॉरी वृक्षों वाले वन। उसके ऊपर आप देखोगे तो मॉस और लाइकेन, और सबसे हाइट पर पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपर टॉप पर जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पर वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है, या फिर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो हम इस प्रकार से ज्यों ज्यों हम एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं है ना, पर्वत श्रृंखला में हम ऊपर की ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से ऊंची की ऊंचाई की तरफ, वही जहाँ जो हमें ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति का पैटर्न देखने को मिलता है वही पैटर्न हमें वापस इस तरफ भी देखने को मिलता है। कहाँ पर? लेटिट्यूड बढ़ने के साथ में भी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद में जो ऊपर पहाड़ी ऊपर चढ़ते हैं आपको ये डेजर्ट देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर भी आप देखो आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद में डेजर्ट के बाद में आप देखोगे आपको यहाँ पर डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको डेसिड्यूस फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, फिर आपको कॉनिफर तो यहाँ पर भी कॉनिफर, फिर बाद मोस लाइकेन तो बाद यहाँ पर भी आपको है जो ये मोस लाइकेन देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद में सबसे ऊपर की तरफ है जो आपको आइस है तो इसमें भी आपको आइस यानी ये ध्रुवों की तरफ। यहाँ पर तो आप है जो पहाड़ी के मैदानी भागों से लेकर के ऊपर ऊंचाई तक जा रहे हो, यहाँ पर ये समझ लो कि आप है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ है जो अभिगमन कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के जो पैटर्न में आपको वनस्पति के अंदर समानता देखने को मिलती है ऊंचाई और अक्षांश के बढ़ने के साथ। तापीय स्थिरीकरण, तापीय स्थिरीकरण के अंतर्गत हम है जो यहाँ पर झील में तापीय स्थिरीकरण पर बात करेंगे। यहाँ हम तापीय स्थिरीकरण का मतलब है कि किस प्रकार से किसी परिवेश के अंतर्गत हमें तापक्रम के विभिन्न अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको है जो एक झील दिखाई गई है और इस झील के अंतर्गत हमें ग्रीष्म ऋतु के समय तापीय स्थिरीकरण देखने को मिलता है। गर्मियों के समय में क्या होता है, झील की ऊपरी सतह का जल तलहटी की तुलना में अधिक गर्म होता है, इसलिए केवल जल की ऊपरी सतह ही सर्कुलेट हो पाती है तथा तलहटी के ठंडे जल की स्तरों से मिश्रित नहीं हो पाती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जैसे तापक्रम बढ़ता है तो इसके साथ ही
झील में जल की ऊपरी सतह एवं तलहटी के जल के तापक्रम में अधिकाधिक अंतर भी होता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः वायुमंडल का तापक्रम अधिक होने के कारण झीलों में जल की ऊपरी सतह का तापक्रम लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि तलहटी के जल का तापक्रम केवल 5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस तक ही मिलता है। इस प्रकार 5 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस की परास के बीच बड़ी झीलों का तापीय स्तरण जो में 3 अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और ये तापीय स्तर निम्न प्रकार से है जो कि हम इसमें अंतर्गत अब देखते हैं। तो ये जो झील है इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा है कि ऊपर की जो सतह है उसका 22 डिग्री के करीब लगभग टेम्परेचर है और नीचे की सबसे जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है, इन इस पूरे के बीच में हमें 3 प्रकार के तापीय स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अधि सरोवर या एपिलिम्नियन स्तर। यह स्तर जलाशय का सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें लगातार है जो ऊष्मा का जल के अंतर्गत संचरण होता रहता है। दूसरे नंबर पे है वो है थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन, जिसे हम मध्य सरोवर स्तर कहते हैं। ये झील के अंतर्गत दूसरा तापीय स्तर है। झील में जल की यह परत ऊपरी स्तर एवं तलहटी या आधारित स्तर के बीच में पाई जाती है। इसका तापक्रम मध्यमवर्ती होता है, यानी ये है जो ऊपरी परत और ये निचली परत इनके बीच में है, तो इसका तापक्रम है इन दोनों के बीच का मध्य प्रकृति का होता है। और तापीय स्थिरीकरण के अंतर्गत झील की जो तीसरी परत है सबसे जो नीचे तलहटी की तरफ होती है उसे हम अधोसरोवर स्तर या हाइपोलिम्नियन कहते हैं। यह झील की सबसे नीचे वाली परत होती है जहाँ जल है जो शीतल होता है, अतः इस स्तर में जल का तापक्रम अत्यंत निम्न एवं यहाँ का जल है जो अपरिसंचरित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक झील में 3 है जो स्तर पाए जाते हैं, ये तीनों स्तर मिलकर के तापीय स्थिरीकरण कहलाते हैं। धन्यवाद।